हेलो दोस्तों, डिजाइन फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 के अंदर आप कैसे डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे और उसके लिए बेस्ट सेटिंग क्या है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने कुछ अपडेट दिया है जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट में एडिटिंग या डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको सेटिंग करना है जिससे आपको आसानी होगी अपना आर्टिकल लिखने में या कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको मालूम ही है कि आपको लैंग्वेज या अगर आप चेंज करना चाहते हैं जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं जो प्रीफर करते हैं लैंग्वेज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सारी लैंग्वेज यहाँ से ऐड करके बहुत ही आसानी से यहाँ से लैंग्वेज को जो है अपडेट कर सकते हैं। ये तो होगी नॉर्मल सी बात। इसके बाद चलते हैं इसके अच्छे फीचर्स की तरफ जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी आपके जो भी एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में आपको टाइपिंग मिल जाता है। सिंपली आपको टाइपिंग में जाना है। यहाँ पे टाइपिंग में आपको बहुत सारे एडिटिंग के मोड दिए गए हैं। सबसे पहले हम सबको यहाँ पे ऑन कर देते हैं। स्पेलिंग सब ऑटो करेक्ट यहाँ पे ऑन कर देना है। कोई भी अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई टाइपिंग में तो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देगा यहाँ से। उसी तरह हाईलाइट मिस स्पेल्ड जो रहेगा वर्ड उसको आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। इसी तरह टाइपिंग में भी आपको दे रहा है कि ये सजेशन में आपको देगा कि आप ये सजेस्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिक लगा देगा। कोई भी स्पेस अगर देने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई भी वर्ड के बीच में अगर आप भूल भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्पेस वहाँ पे लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे नीचे आएंगे तो हाउ AI हैज हेल्प्ड यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प किया है यहाँ इसका फीचर्स। तो अभी ये हम ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दे रहा है, बाद में आप चेक कर सकते हैं कहाँ कितना यहाँ से यूज़ किए हैं। इसी तरह हार्डवेयर कीबोर्ड में यहाँ पे जाएंगे, सो टेक्स्ट सजेशन जो है इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। तो कोई भी आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा कि ये वर्ड आप चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है आपके जो भी टाइपिंग करते हैं सजेशन में देता रहता है। इस तरह यहाँ पे ऑटो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड देगा, यहाँ पे भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। नीचे वाले को भी आपको ऑन कर लेना है। अभी जब हम जाएंगे टाइपिंग में तो इसका इफेक्ट देखिएगा कितना अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसके माउस कर्सर जो है इसकी साइज को अगर आप कम बढ़ती करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इसकी साइज को कम बढ़ती कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप चूज कर सकते हैं। कर्सर कस्टम अगर चेंज करना चाहते हैं उसका कलर तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो रिकॉर्डिंग हो रही है स्क्रीन की तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कलर चेंज हो चुका है। जो कलर हम चूज करेंगे वो कलर यहाँ से हो जाता है कस्टम कलर यहाँ से। इसी तरह चेंज टच फीडबैक, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। मेक विजुअल फीडबैक, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट कर्सर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि कर्सर कहाँ पे आपको दिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है कि कर्सर आपका दिखता नहीं है, तो यहाँ पे आप जो कर्सर को कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी साइज को उसके कलर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं टेक्स्ट में जो भी आप एडिटिंग करेंगे उस समय आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा ये इसका कस्टमाइजेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है वो बहुत ही मतलब बोल्ड हो जाता है। इस तरह नीचे आप देख सकते हैं कि कर्सर का जो अपीयरेंस है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं, लेटर को हाइड कर ले या उसके साइड में, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जितना भी हम इफेक्ट यहाँ पे चेंज किए उन सब इफेक्ट को यहाँ पे हम देखते हैं बारी बारी क्या इफेक्ट यहाँ पे हमको मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑनलाइन में ओपन किया अपने ब्राउजर में, यहाँ पे जब जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो ऊपर आपको सजेशन में दे रहा है। यहाँ पे आप सजेशन को लेने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड्स की जो एरो की बटन है उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर का जो भी टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा सिंपली आप उस पर लेकर स्पेस बटन दबा देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो इंटर हो जाएगा। इस तरह बढ़ते हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अपडेट किया गया है विंडोज 10 के अंदर। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या 360 जो इस ऑफिस अगर सूट यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन भी यूज़ कर रहे हैं तब ये फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एडिटर की एक बटन मिलती है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के बाद जब एडिटर पे क्लिक करेंगे तो इसको एनालाइज करेगा आपके डॉक्यूमेंट को और देगा कहाँ कहाँ पे आपकी स्पेलिंग गलत है या ग्रामर गलत है। तो यहाँ पे एडिटर स्कोर दे रहा है, यहाँ पे 91 आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं स्पेलिंग एक जो है गलत है, यहाँ पे इसको जाके आप क्लिक करेंगे तो वो दे देगा सिंपली। यहाँ पे उसको सजेशन में देगा कौन सा आपको लेना है, यहाँ पे उस स्पेलिंग को ले सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रामर में दे रहा है कि ग्रामर में 4 जगह मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप ग्रामर में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रामर में भी सजेशन देगा, इसको आप ले सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड रहे जो आपके अकॉर्डिंग सही रहे लेकिन यहाँ पे गलत रहता है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ग्रामर में जितने भी मिस्टेक है उसको आप आसानी से सही कर सकते हैं। सबको सही करने के बाद नीचे आपको प्रीमियम ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पे क्लियरिटी हो चुकी है वर्ड की, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा, तो चेक कर सकते हैं कि कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गो प्रीमियम पे जब क्लिक करेंगे तो इसका मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 27 रियाल आ रहा है, 28 रियाल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं गो प्रीमियम में। गो प्रीमियम में आपको क्या फीचर्स मिलने वाला है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं क्लियरिटी जो है 10% जो क्लियरिटी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग उसके फॉर्मेट दिए गए हैं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उनमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सब आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सब आपको प्रीमियम वर्जन में मिलने वाला है। तो अगर आप इसको पे करके यूज़ करना चाहें तो पे करके यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एडिटर आपका जो इस साइड में आ जाएगा, उसी तरह एडिटर की सेटिंग में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपकी स्पेलिंग में कहाँ कहाँ पे चेंजेस करें, जैसे वर्ब में चेंज कर सकते हैं कि नाउन में चेंज कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे आप इसको करेक्ट करने के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे तो यह पूरा दिया स्पेलिंग में और ग्रामर में क्या क्या ये चेंजेस करता है। अगर आप किसी को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो उसको हटा देंगे तो उसको चेंज नहीं करेगा। फिलहाल हम सब पे टिक लगा के ओके पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको सबकी नीड है। उसी तरह यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, अगर आप किसी अलग लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि कोई चेंजेस ना हो तो यहाँ पे उसको प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पे डोंट चेक स्पेलिंग पे लगा के ओके कर देंगे तो उस लैंग्वेज में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, अगर दो लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं तब। इसी तरह अगर आप ट्रांसलेशन के मोड में काम करना चाहते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो राइट साइड में आपको बटन मिल जाती है ट्रांसलेट की, इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्शन दे रहा है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट दे रहा है। तो आप किसी भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्शन, तो ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट कर देगा उस पैराग्राफ को। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको सिलेक्ट करिए, इस बटन पर क्लिक करिए और नीचे से अपनी लैंग्वेज को चूज़ करिए किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। ओके डन, आपका यहाँ पे ये लैंग्वेज आ चुकी है। अब इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं पैराग्राफ पे, तो नीचे आपको बटन मिलती है इंसर्ट की, सिंपली आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे उस लैंग्वेज में हो जाएगा जो भी लैंग्वेज चूज करे रहेंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपका जो भी आर्टिकल राइटिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है विंडोज 10 के अंदर। तो ये सेटिंग आप अपने विंडोज 10 के अंदर कर लीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक से अपडेट करने के लिए हमारे चैनल जुड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।